वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर सोनाक्षी। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं क्रेसेंट वाटर पार्क में। तो ये जो है ब्लॉग भोपाल का ब्लॉग है, और आपको भोपाल के ब्लॉग बहुत ज्यादा पसंद है ना, मुझे पता है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ में ये वाला क्लिप तो जरूर शेयर करूंगी। तो ये है अपर लेक, जहाँ पर राजा भोज की ये मूर्ति है, जो अपर लेक में ही लगाई गई है। बहुत ही सुंदर नज़ारा था, क्योंकि हम जा रहे थे स्कूटी से, तो मैं आपको बता नहीं सकती कि हमें कितना ज़्यादा मज़ा आया। तो क्रेसेंट वाटर पार्क जो है वो 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भोपाल सिटी से। तो हम पहुँच चुके हैं क्रेसेंट वाटर पार्क। तो ये अम्यूजमेंट पार्क भी है, लेकिन अम्यूजमेंट पार्क की वीडियोस जो है मैं आपके साथ में शेयर करूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाहर का कुछ इस तरीके का नज़ारा है। पूरी फैमिली के साथ में आए थे, और पिछली बार जो है हम काना फन सिटी में आए थे, वहाँ पर मुझे ज़्यादा मज़ा आया था सभी पूरे परिवार के साथ में। तो इसकी जो टिकट है वो 600 रुपये है, लेकिन यहाँ पर आपको देने पड़ते हैं 700 रुपये। तुम कैमरे शर्माते हो भाई, तुम्हारी मम्मी ब्लॉगर है, शर्माना नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही थी कि टिकट है 700 रुपये। 700 रुपये इस तरीके से पड़ती है कि जब आप डिजिटल लॉकर लेते हो तो आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, क्योंकि आपको मिलता है बैंड। लेकिन जब आप जाते हो तो आपको जो है बैंड वापस करने होते हैं, और आपको जो 100 रुपये वो वापस से रिफंड मिल जाता है। तो यहाँ पर आई लव क्रेसेंट वाला ये पूरा बोर्ड लगा हुआ था, मतलब साइन लगा हुआ था। तो यहाँ पर हर लोग जो है फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो हमने सोचा हम भी मेमोरीज क्रिएट करें, क्योंकि फ्यूचर में जब देखते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद में हम जा रहे हैं अंदर। बाहर का नज़ारा जो है क्रेसेंट वाटर पार्क का कुछ इस तरीके का है। बाहर हो रही है चेकिंग। ये कुछ एंट्री नियम दिए गए हैं जो आप बोर्ड पर पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। उसके बाद में बाहर जो है इस तरीके के फाउंटेन है। पूरे ही पार्क में इस तरीके की लेडीज़ जो है बनी हुई थी, बहुत ही अमेजिंग नज़ारा था। उसके बाद में हम जा रहे हैं चेकिंग के बाद अंदर, और चेकिंग के बाद अंदर जाने पे कुछ इस तरीके का बहुत बड़ा सा जो है खुला सा एरिया है, जिसमें ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट हॉलो बॉल जो है वो दिखाई गई है, जिस पे मैप बना हुआ है पूरे वर्ल्ड का। और उसके बाद में हम जो है अंदर जा रहे हैं लेडीज़ चेंजिंग रूम में, मतलब लेडीज़ नहीं, मेंस की भी चेंजिंग रूम अंदर ही है यहाँ पे। और यहीं से आपको कॉस्ट्यूम मिलेगी, और 600 रुपीज़ की जो आपकी टिकट है उसी के अंदर आपको कॉस्ट्यूम जो है बिल्कुल फ्री मिलती है। और ये यहाँ पर लॉकर एंड कॉस्ट्यूम बिलिंग काउंटर है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स का एक ही जगह से मिलता है, पहले अलग अलग बनाया गया था, लेकिन अब जो है एक ही जगह से आपको कॉस्ट्यूम मिल जाता है। लेडीज़ का कॉस्ट्यूम रेड कलर का है, और जेंट्स का ब्लू कलर का कॉस्ट्यूम है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़े साइजेस में अवेलेबल है। तो आप देख सकते हो, आगे आपको वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि कितने ज़्यादा, मतलब ऐसे टेंट जैसे से लग रहे थे कपड़े। तो एक ही साइज़ है, आप जो है अलग साइज़ नहीं ले सकते। उसके बाद में हम जा रहे थे लेडीज़ चेंजिंग रूम में। यहाँ पे चेंजिंग रूम बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थे, काना फन सिटी में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। उसके बाद में डिजिटल लॉकर है, मैंने आपको खोल के दिखाया कि कुछ इस तरीके से खुलता है। बहुत सारे लॉकर्स यहाँ पे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है सामान वामान की। तो उसके बाद में हमने किए कपड़े चेंज, और कपड़े चेंज करने के बाद में सब लोग जो है ऐसे लगने वाले हैं, तो दिखाओ कॉस्ट्यूम जो है, देखो ऐसा था। उसके बाद में हमने डाला लॉकर में सब सामान। तो फ्रेंड्स, वाटर पार्क का जो फन है वो स्टार्ट हो चुका है। हम चलते हैं अब पूल की तरफ। तो स्विमिंग पूल है, सबसे पहले हम जाएंगे छोटे वाले स्विमिंग पूल में, जहाँ पे किड्स के लिए बनाया गया है पूरा सेक्शन। तो एक जंगल वाली थीम बनाई गई है वहाँ पर। देखो, मैंने इस तरीके से छोटे छोटे क्लिप्स बनाए थे ताकि मैं YouTube के शॉर्ट्स भी डाल सकूँ। और यहाँ पर सब लोग देखो छोटे वाले स्विमिंग पूल में ही स्टार्ट हो गए हैं सब, मतलब मस्ती करना अपना। और उसके बाद में हम जाएंगे वेव्स में भी, वहाँ पर वेव्स भी स्टार्ट हो गई थी। तो ये देखो छोटा, मतलब छोटे छोटे झूले बनाए गए हैं छोटे बच्चों के लिए, तो यहाँ पर छोटे बच्चे भी बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद में हम जा रहे थे बड़े वाले स्विमिंग पूल की तरफ, तभी हमें जो है आवाज़ आई कि वेव स्टार्ट हो गई हैं। तो हम लोग जो है घूम गए वेव्स की तरफ। तो वेव्स यहाँ पर ना काना फन सिटी से छोटी हैं, मतलब छोटा एरिया था, लेकिन मज़ा आया यहाँ पर भी। वेव्स में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो पीछे की तरफ ही जो इंजॉय कर सकते हैं, और आगे जो हैं बड़े जो मतलब लोग हैं वो इंजॉय करते हैं। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है वेव्स में, और बहुत ही अच्छी मतलब फीलिंग आती है जब आगे जाते हैं और इतनी तेज़ तेज़ वेव्स जो हैं हमें पार करते हुए निकलती हैं। तो आप मेरे वीडियो को इंजॉय कीजिए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे पता आपको वीडियो तो पसंद आ रहा है, लेकिन वीडियो को लाइक करना भूल जाओगे देखते देखते। तो प्लीज़ मेक श्योर कर लो कि वीडियो को कर दिया लाइक, और चैनल मेरा सब्सक्राइब किया हुआ है ये भी देख लीजिए, और बेल आइकन के साथ में करिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे आपको।
पर जो है डांस एरिया भी बनाया गया है जहाँ पर आप डीजे पर डांस कर सकते हो। बहुत सारे फाउंटेन लगे हुए, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पर भी हमने किया जम के डांस, और ये काना फन सिटी में भी है। तो मैं दोनों का डिफरेंस बता रही हूँ आपको, लेकिन क्रेसेंट वाटर पार्क जो है वो काना फन सिटी से बड़ा है। तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं बड़े वाले स्विमिंग पूल की तरफ, और वहीं पर सारे के सारे जो हैं स्लाइड्स हैं, जो कि आप देख सकते हो कि बहुत बड़ी वाली जो इन्फिनिटी वाली स्लाइड है वो भी। और यहाँ पर एक पेड़ था जिसमें छेद निकला हुआ था, तो गगन ने उसे बनाया सेल्फी पॉइंट। और उसके बाद में देखो मैं आपको दिखा रही हूँ बड़े वाले स्विमिंग पूल की तरफ जब हम जा रहे हैं, तो बहुत सारी स्लाइड्स आपको देखने को मिल रही है। हमने भी ये स्लाइड्स जो है ट्राई की थी। जो भी वीडियोज़ होंगी मैं वीडियो के एंड में आपके साथ में शेयर करूँगी। सबसे पहले चलते हैं हम बड़े वाले स्विमिंग पूल की तरफ। आज का व्लॉग आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के साथ में करिएगा, ताकि आगे जो एम्यूजमेंट पार्क का जो वीडियो डालने वाली हूँ ना, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।